हेलो फ्रेंड्स, माय ओनटेक गाइड में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मीशो के द्वारा कोई आर्डर प्लेस करते हैं और आपका आर्डर पेंडिंग में चला जाता है, दोस्तों ऐसा फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन और बहुत सारे प्लेटफॉर्म में भी होता है। कभी कभी हमारा आर्डर पेंडिंग में चला जाता है और उसका वेरिफिकेशन होता है, इसके बाद हमारा आर्डर प्लेस होता है। यहाँ पर आज मैं बात करने वाला हूँ मीशो की, और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ किस प्रकार से आर्डर पेंडिंग में चला जाता है। सो दोस्तों, यहाँ पे आप ऑर्डर्स में जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा ऑर्डर वेरिफिकेशन पेंडिंग। अगर ओपन करके देखते हैं तो यहाँ पे दिखाई देता है ऑर्डर इज प्लेस्ड, अवर टीम विल वेरीफाई एंड कंफर्म दिस ऑर्डर सून। तो दोस्तों यहाँ पे होता क्या है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। और दोस्तों, मैंने कस्टमर केयर से बात की और उनसे पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने क्या बताया आज की इस वीडियो में, मैं आपको आगे बताऊँगा। सो चलिए शुरू करते हैं। सो दोस्तों, मैंने यहाँ पे कस्टमर केयर से बात की और मैंने रिकॉर्डिंग भी करना चाहा, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के कारण रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। सो दोस्तों, उन्होंने क्या बताया मैं बता देता हूँ। सो दोस्तों, ये एक प्रोसेस है। अगर हमारा आर्डर पेंडिंग में चला जाता है तो ये 24 घंटे के अंदर वेरीफाई हो जाता है। और दोस्तों, मैंने ये पूछा कि ये क्यों ऐसा होता है, तो उन्होंने बताया कि ये इसलिए ऐसा किया जाता है कि आपने जो ऑर्डर किया है कस्टमर की मर्जी से किया है या नहीं किया है, यही वेरीफाई किया जाता है। और दोस्तों, इसमें 24 घंटे लगते हैं सैटरडे और संडे को छोड़कर। इसमें संडे और सैटरडे को छुट्टी होती है और इसके अलावा किसी भी दिन 24 घंटे में ये वेरिफिकेशन हो जाता है। और दोस्तों, इस ऑर्डर को कंफर्म करने के लिए मीशो टीम द्वारा 3 बार कॉल किया जाता है कस्टमर के पास। अगर एक बार में कॉल नहीं रिसीव होता तो 3 बार वो कॉल करते हैं। अगर 3 बार कस्टमर कॉल रिसीव नहीं करता तो एक मैसेज आता है जिससे हमें कस्टमर को भेजना होता है, और उसमें एक नंबर बताया जाता है जिससे हमें कस्टमर को देकर और उनसे कहना होगा कि ये ऑर्डर आप वेरीफाई कर लीजिए, तभी उनका ऑर्डर प्लेस होगा। सो दोस्तों, इस प्रकार आपका ऑर्डर वेरीफिकेशन हो जाएगा। तो इसके लिए आपको कस्टमर को ज़रूर बता देना चाहिए। अगर इस तरह का वेरीफिकेशन आ जाता है तो आप जिस माध्यम से कस्टमर से बात कर रहे हैं तो उनसे बता दीजिए कि एक कॉल जाएगा, तो आप अपना ऑर्डर को वेरीफाई कर लेना। तो इस प्रकार आपका ऑर्डर वेरिफिकेशन हो जाएगा। सो दोस्तों, यही कुछ था जो कि मैंने कस्टमर केयर से पूछा। और दोस्तों, इसमें यही प्रोसेस होती है कि कस्टमर से कंफर्म किया जाता है। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा और आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।